आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का परिचय एक नए शब्द से करवाया है और वो शब्द है आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बताया कि जहां आंदोलन है वहां आंदोलनजीवी जमात है। करो जाकर तो देखो कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई हम देखिए खालिस्तानी झंडा कवर कर भाई। आज संसद का पोर पोर भावुकता के सागर में गोते लगा रहा था। संसद देख रही थी नेता प्रतिपक्ष की विदाई का पल और पहली बार देश के प्रधानमंत्री को फूट कर रोते हुए। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव आपका जी न्यूज के लिए, आपने वक्त निकाला है। आज ये जो बजट का स्वास्थ्य है बाबा रामदेव जी कैसा दिखाई दे रहा है आप? हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया में हुए कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में काफी कुछ देखने को मिला। इस हफ्ते कुछ नए शब्द भी खोजे गए। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण में आंदोलनजीवी शब्द का जिक्र किया। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। इसके बाद से ये मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा। गोदी मीडिया में भी आंदोलनजीवी शब्द का काफी जिक्र देखने को मिला। और आज हानिकारक आंदोलनजीवियों का विश्लेषण। पहले जानिए ये आंदोलनजीवी है कौन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का परिचय एक नए शब्द से करवाया है और वो शब्द है आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बताया कि जहां आंदोलन है वहां आंदोलनजीवी जमात है। इसका अर्थ है जैसे किसी के शरीर का खून पीकर परजीवी जीते हैं, वैसे ही किसी भी आंदोलन के सहारे जीने वाले आंदोलनजीवी कहलाते हैं। ये लोग आंदोलन में घुसकर परजीवियों की तरह चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपकू हैं, और फिर उस आंदोलन का खून चूसकर खुद को बड़ा बनाते हैं। साफ दिखाई देता है टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स, कभी शाहीन बाग पर धरना देने वाले, कभी जेएनयू में आजादी के नारे लगाने वाले किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं। मीडिया का सरकार की तरफ झुकाव पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जाए मीडिया उसका समर्थन ही करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी रोने भी लग जाएं, तब भी मीडिया उनकी ही तारीफ करता दिखाई देता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपने एक भाषण में किसी किस्से को याद करके रोने लगे। इसके बाद मीडिया में क्या कुछ चला आप खुद ही देख लीजिए। राजबात मोदी के आजाद आंसू। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज पीएम मोदी की पलकों ने आंसुओं की फुहार को आजाद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में भावुक हुए और उनका गला रुंध गया, आंखों से आंसू निकलने लगे और थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आंसुओं की असली वजह बताई। आप इसमें ये देख पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के लिए कितना भावुक हो सकता है। संसद से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। यकीनन यही भाव थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज संसद का पोर पोर भावुकता के सागर में गोते लगा रहा था। संसद देख रही थी नेता प्रतिपक्ष की विदाई का पल और पहली बार देश के प्रधानमंत्री को फूट कर रोते हुए भी। कई कारणों की वजह से मीडिया की काफी आलोचना भी होती है। मीडिया ने किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग खालिस्तानी बताया। जब मीडिया के पत्रकार ग्राउंड पर जनता से बात करने पहुंचे तो उन्हें लोगों का काफी गुस्सा सहना पड़ा। ऐसा कुछ जी न्यूज के पत्रकार के साथ देखने को मिला। जब पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंचा तो उसे लोगों का गुस्सा देखने को मिला। देश में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू आतंकवादी कवर करने आए हो, करो कवर तो करो, कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई हम देखिए खालिस्तानी झंडा कवर कर भाई। अब ऐसा है भाई, तुम ऐसे वहाँ पे प्राइम टाइम कर ले करो, ऐसे पब्लिक में चीख उठा रहे थे, वो आया कि नहीं मैंने पूछ नहीं। आप लोग पब्लिक में मत जाओ भाई, क्या समझे वहाँ प्राइम टाइम नहीं, तंबू पट गया था फिर कहाँ से आए ये सब, वो तंबू वाले कहाँ गए? अरे लास्ट रात अरे ने उन चला रखा। आप बता दो कुछ क्या बात है? अच्छा आप आगे माइक घुसा घुसा के डिस्टर्ब करते हो। अरे जब उन
टकिया ऐसे ऐसे करते हैं टकिया खा के वो आप नहीं, नहीं। आप जीनू दले जीनू दले आ रहे हैं जीनू दले जीनू जीनू सुपर तो भाई साहब आप माइक कहीं भी घुसा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछ सकता। यही है क्या आप लोग ये माइक जी न्यूज वाला कहीं भी घुसा देते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछा, आप डिस्टर्ब होते हो। चैनल जी न्यूज, जी न्यूज हम डिस्टर्ब नहीं होते वहाँ पे, जो इतने बंदे बैठे हो वो डिस्टर्ब नहीं है। 5 मिनट बाद पीपी आपका ऊपर जाएगा, 5 मिनट चैनल देख लो जी न्यूज। मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई न्यूज चैनल में दिखाई देता है तो वह बाबा रामदेव। पतंजलि की एड्स तो आप न्यूज चैनल्स पर देखते ही रहते हैं। किसी किसी चैनल पर हमने बाबा रामदेव को योग करते भी देखा है क्योंकि वे योग गुरु हैं। पर जब इस बार बजट आया तो इस पर चर्चा करने के लिए तकरीबन हर न्यूज चैनल में बाबा रामदेव को बुलाया गया। आज ये जो बजट का स्वास्थ्य है, बाबा रामदेव जी कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सबसे अच्छी और बड़ी बात आपको क्या नजर आई? योग को मशहूर करने में, नई ऊंचाई देने में अहम रोल निभाने वाले बाबा रामदेव आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव आपका। जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है तो स्वामी जी ये डिबेट में आप आइए। देखिए आज का बजट आपको कैसा लगा पूछता है भारत। आज का बजट आपको कैसा लगा भारत के भविष्य के लिए है। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान योग गुरु बाबा रामदेव। आप सब जानते हैं किस तरीके से उद्योग जगत में भी बाबा रामदेव ने जो मेक इन इंडिया का परचम है उसको दुनिया भर में बुलंद किया है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपको क्या लगता है इस बजट से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार होगा? अक्सर मीडिया में किसी न्यूज को बोलने को लेकर गलती हो ही जाती है, ऐसी ही कुछ गलतियां इस बार भी देखने को मिली। आज तक पर ग्लेशियर के गिरने की खबर थी, उसे इस तरह से कहा गया कि आप सेफ जगह पर आ जाइए फिर आपको असुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। कितने गाँव में लोगों के फंसे होने की सूचना है, हमने सभी गाँव वालों को भी सूचित कर दिया है कि वो किसी ऐसे सेफ जगह पे आ जाएं जहाँ से हम उनको असुरक्षित स्थान पे पहुँचा सके। ऐसे सेफ जगह पे आ जाएं जहाँ से हम उनको असुरक्षित स्थान पे पहुँचा सके। ऐसी एक गलती इंडिया टीवी पर भी हुई। बजट को लेकर खबर पड़ती एंकर को 72 साल बोलना था और वो 27 साल बोल गई। 27 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट, पेंशन और ब्याज से ही हो। देश और मीडिया में क्या गलत और क्या सही चल रहा है इसकी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।